पहले की वो योजनाएं बनती थी और वह कई बार कागजों पर रह जाती थी, आज वह प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। और 13.5 International bands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindal Bridge Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. विकसित भारत संकल्प की जो यात्रा देश भर में चल रही है, जिसके द्वारा गरीब लोग जिनके लिए कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की हैं वह लाभार्थियों तक पहुंची हैं और लगातार लाभार्थियों तक पहुंचे ही उनका सपना है। इसलिए आज उन्होंने कई राज्यों के लाभार्थियों से चर्चा भी की है और उस आधार पर लगा कि यह जो गरीबी स्तर से ऊंचा उठाने का जो योजना है, पहले की वो योजनाएं बनती थी और वह कई बार कागजों पर रह जाती थी, आज वह प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। और 13.5 करोड़ से अधिक गरीबी रेखा से लोग आज जन उपजा उठे हैं और साथ में किस तरह से 4 करोड़ से अधिक लोगों को मकान मिले हैं, 11 करोड़ से अधिक लोगों को आज स्वच्छता अभियान का लाभ मिला है, 50 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खुले हैं। और हमने देखा कि प्रत्येक यहाँ स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा लोगों का जो जीवन स्तर ऊंचा उठा है, ये कहानियां कह रही हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। और ये भारत आगे बढ़ते हुए एक बार गरीबी रेखा से सारे जन को ऊंचा उठाएंगे, हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और ये भारत जो एक विकसित भारत के अब तक विकासशील के रूप में गिना जाता था, अब ये विकसित भारत का स्वरूप ले रहा है। यह देश विकसित होकर के विश्व का नेतृत्व करेगा। इस प्रकार की योजनाएँ चली हैं, मैं समझता हूँ वास्तव में वो धरातल पर आई हैं। अजमेर में मुझे बताया कि शहर के अंदर 13,000 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं प्रशासन को कहूँगा कि वह इस योजना को, इस कैंपों को लगातार निगम में चला करके कुछ ऐसे वार्डों में लगा करके, ताकि अजमेर शहर में कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न रहे, इसको सुनिश्चित करें। देखिए, परिवार का जो केंद्र है वो महिला है ना? महिला को यदि सबसे ज़्यादा परेशानी होती है तो महिला को ही होती है। यदि घर नहीं है, यदि जल नहीं है, यदि धुएं में खाना बनाना है, तो महिला को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए माननीय मोदी जी ने महिला को केंद्र में रख करके जितनी योजना बनाई है वो महिलाओं को ही केंद्र में रखकर बनाई है, तो निश्चित रूप से उनका लाभ महिलाओं को मिलना ही है। देखिए, आप प्रधानमंत्री आवास योजना में भी महिला को ही मालिक बनाया गया है। जल का कनेक्शन है तो वो भी महिला के नाम से ही है। आपको यदि आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना है तो महिला मुखिया के नाम से वो कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान भारत योजना में उसका लाभ है। और अभी जिस योजना का माननीय मोदी जी ने जिक्र किया कि पूरे देश भर में 15,000 ऐसी बहनों को छांटा गया है जिनको ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से वो खेती करेंगी, तो निश्चित रूप से ये पूरे देश में एक तरह से क्रांतिकारी कदम होने उठने वाला है। और जिस तरह से हमने SHG की महिलाओं को देखा है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को के मुख से जो बात सुनी है, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में तो मैं जितनी कहूँ उतना कम है, क्योंकि एक आम गृहिणी बहुत जिसको कुछ नहीं मालूम है, वो भी यदि जाकर के आवेदन करती है कि मुझे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लोन चाहिए, तो 10,000-20,000 का लोन, 50,000 का लोन वो ले रही है और लेकर के अपना छोटा मोटा जो व्यवसाय है, जो रोजगार है वो कर रही है और अपनी घर की आर्थिक व्यवस्थाओं को ठीक कर रही है, उनको समृद्ध कर रही है। तो ये मैं ये कहूँगी कि आधी आबादी इस देश की नहीं, इस धरती पर यदि कहीं इंसानियत है, कहीं मनुष्य जाति है, तो उसमें आधी आबादी महिलाओं की है। और वो आधी आबादी को पूरी तरह से सशक्त करना ये मोदी जी ने तय किया है और उसका लाभ हम समाज में परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। आज जो हमने जो खुद की कहानी खुद से जो सुनी है महिलाओं के मुख से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। तो मैं मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, हमारी विधानसभा में भी, हमारे क्षेत्र में भी, उसके लिए प्रयासरत हूँ और हर पात्र व्यक्ति तक वो लाभ पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे।